नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या RAS एकेडमी में। दोस्तों, सेकंड ग्रेड में संस्कृत विभाग की परीक्षा नज़दीक है, तो उसके लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 9 मॉडल पेपर तो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 10वां नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, पिछले अगर 9 मॉडल पेपरों का किसी ने टेस्ट नहीं दिया है तो वो प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ फोल्डर बना हुआ है सेकेंड ग्रेड संस्कृत विभाग मॉडल पेपर के नाम से, ठीक है, फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या RAS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, प्राचीन तांत्रिक शक्ति पीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सुंदा माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालौर में, ठीक है, वहाँ पर रोपवे भी है। एक नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? तो जीण माता है ये दोस्तों चौहान वंश की कुलदेवी है। एक नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पणिहारी, ठीक है, ये नृत्य है ये होली से संबंधित नहीं है। एक नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? तो कौन सा संप्रदाय है वो निर्गुणोपासक नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाथ संप्रदाय, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच नंबर प्रश्न, इसमें देखो, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैकुलिस, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन सी थी? तो दोस्तों, मांड गायिका के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था 1982 के अंदर, तो वो कौन थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ला जिलाबाई, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो स्मरणीय डाक टिकट है वो दोस्तों किस पर जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बनी ठनी, एक नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओसिया जो जोधपुर के अंदर स्थित है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो किस राजा के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्सराज प्रतिहार के, एक नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नौवां नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो नैनूराम है ये दोस्तों किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये बूंदी प्रजामंडल से संबंधित थे, एक नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है भरतृभट्ट प्रथम, एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के दोस्तों देवपाल, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्टदित्य, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। नेक्स्ट, 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, क्रांतिकारी जिसने मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो दोस्तों किसको सजा मिली थी? मेहनत प्यारेलाल को, मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी किसको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है केसरी सिंह बारट को, ठीक है, इनको मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड में इनको सजा मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न, इसमें देखो, निम्न में से किस स्थल से शासक मिनिंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बैराट में, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो जोधपुर राज्य के महाराजा कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुमंत सिंह, एक नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकंड, यानी कि एक तरफ जिले दूसरी तरफ पर्वत, यानी कि कौन सा पर्वत है वो कहाँ पर है, ठीक है,
तो आपको दिख रहा होगा सीकर, तो सीकर में तो रघुनाथगढ़ है। अलवर में दोस्तों आपको पता ही होगा भानगढ़ है, ठीक है। जालौर में कौन सा है, तो दोस्तों जालौर की अगर बात करें अपन तो जालौर में है झारोला पर्वत, और जयपुर के अंदर है बरवाड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2143, 2143 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन, ए नंबर, एक नंबर ऑप्शन है 2143, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो दोस्तों किस स्थान पर हुई थी, तो जोधपुर स्थान पर, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों ढाक प्लास, दो नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सुमेलित कीजिए, एक तरफ है मेला दूसरी तरफ है तिथि, तो अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें देखो केला देवी का मेला है, ये दोस्तों कब भरता है, तो ये भरता है चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक, केला देवी का मेला। पुष्कर के मेले की बात करें अपन, तो पुष्कर का मेला है ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है पुष्कर का मेला। बेणेश्वर मेले की बात करें तो दोस्तों बेणेश्वर मेला है ये माघ पूर्णिमा को भरता है, और रामदेवरा मेला है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4321, 4321 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 4321, दो नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सुमेलित कीजिए, एक तरफ है रचना दूसरी तरफ है रचनाकार, मतलब किसकी रचना है वो किसने की थी, तो देखो वेली कृष्ण रुक्मणीरी इसकी रचना है, ये दोस्तों किसने की थी, तो इसकी रचना की थी दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणीरी, तो इसकी पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, ठीक है। पृथ्वीराज विजय, तो दोस्तों ये की थी जयानक भट्ट ने, और हरि केली नाटक की रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने, और धरती धोरारी इसकी रचना की थी कन्हैयालाल सेठिया ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 2143, 2143 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो नंबर का ऑप्शन है ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मालवी भाषा का, दो नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है, तो अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित कौन सा इसमें चित्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नानक राम, ठीक है, दो नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, ईगल की पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा किला स्थित है, तो ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ का किला स्थित है, एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना बहुत शानदार प्रश्न है, ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से भारी और बड़ा होता है, निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है टुस्सी, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गर्दन में पहना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है, तो कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पानीवाड़ा, चार नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्न मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है, तो कौन सा एक जैन मंदिर है, राइट आंसर हो जाएगा सतबीस देवरी, चार नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो नारी संत दयाबाई शिष्या थी, नारी संत दयाबाई शिष्या थी, तो दोस्तों ये किसकी शिष्या थी, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है संत चरणदास की, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष रहे, तो कौन है वो, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूनम चंद विश्नोई, चार नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो लोकायुक्त है वो दोस्तों कौन थे, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है आईडी दुआ,
चार नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो दोस्तों 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है के वर्मा, एक नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं रहे, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं रहे थे, कौन नहीं थे इसमें से ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यदुनाथ सिंह, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रति स्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रति स्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़, एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, तो इसका आधार वर्ष है ये दोस्तों कितना है, तो 1999 से 2000 तक, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 33 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये बताना है अपने को, ठीक है, तो इसमें देखो सवाई माधोपुर में शेर, ये दोस्तों इसका शुभंकर ये गलत है, तो अपने को 33 जिले हैं, तो 33 जिलों के शुभंकर भी अपने को याद रखने हैं, ठीक है, जिला और एक दूसरी तरफ शुभंकर है, ठीक है, बाकी के जैसलमेर का गोडावन है, चूरू का कृष्णमर्ग है और भीलवाड़ा का मोर है, एक नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है ये दोस्तों 31.5 तो भारत की है और 24.87 ये राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, एक नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 35 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो ये स्थापित की गई थी दोस्तों 1939 में, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, झेला जमेला पीपल पत्रा अंगोटिया किस अंग के आभूषण है, तो किस अंग के आभूषण है, सही उत्तर हो जाएगा इसका वह है कान के आभूषण, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 37 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सुमेलित कीजिए, एक तरफ है संप्रदाय दूसरी तरफ है प्रमुख पीठ, तो इसमें देखो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ये सलेमाबाद में है, जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ये कतरियासर बीकानेर में है, ये सलेमाबाद अजमेर में है, ठीक है, दादूपंथ है ये दोस्तों नारायणा जयपुर में है और राम सनेही संप्रदाय की पीठ है सापुरा भीलवाड़ा के अंदर है, तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य महाधिवक्ता व राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है राज्यपाल करता है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें देखो 39 नंबर प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह है दोस्तों मथाई नदी के तट पर, ठीक है, किस नदी के तट पर, मथाई के। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला क्रमशः है, तो सबसे बड़ा और छोटा जिला है ये दोस्तों जैसलमेर और धौलपुर है, ठीक है, सबसे बड़ा तो जैसलमेर और सबसे छोटा धौलपुर, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है तो कितना प्रतिशत है, तो ये है दोस्तों 10.41%, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 42 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है, तो भाषाओं की संख्या है वो कितनी है, तो दोस्तों 22 है, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जुलाई 2018 में किन चार प्रतिष्ठित हस्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है राकेश सिन्हा, राम शक्ल, रघुनाथ महापात्रा और सोनल मानसिंह, ठीक है, इसका राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट,
44 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो जून 2018 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 समारोह में राजस्थान के किन दो शहरों को सम्मानित किया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में राजस्थान के दो शहरों को सम्मानित किया गया है, वो कौन कौन से है? तो वो है दोस्तों कोटा और जयपुर। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला शिक्षा रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों डॉक्टर माधवी त्रिपाठी को। एक नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुदुचेरी के मध्य जल संबंधी विवाद को निपटाने हेतु कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया? तो दोस्तों ये गठन है ये 1 जून 2018 को किया गया था। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2018 में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? सही उत्तर हो जाएगा इसका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो 49वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है विनोद खन्ना को। एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है श्रीदेवी को। एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 50 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो जयपुर की अपूर्वी चंदेला ने गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है कांस्य पदक जीता। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जिसको अपन बोलते हैं एनसीआर पर विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये है असम से। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 52 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है औद्योगिक प्रदेश, दूसरी तरफ है देश। ठीक है, तो अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित बताना है कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम ये इसमें गलत हो जाएगा। कांटों का मैदान है ये जापान, पो घाटी इटली को कहते हैं, रूर प्रदेश जर्मनी को। नेक्स्ट है, विकासशील देशों के संदर्भ में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है? तो दोस्तों यह है बौद्धिक पलायन। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 54 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत ने पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की। तो दोस्तों ये भारत चीन संधि 1954 को की। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, तो वो राज्य कौन से हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। एक नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो देश में नक्सलवाद की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं, तो वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों छत्तीसगढ़। एक नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1961 में किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू, भारत। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मोंटेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है? तो दोस्तों ये भारत शासन अधिनियम 1919 कहलाता है, 1909 कहलाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 61 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वप्रमुख एजेंसी है, तो सर्वप्रमुख एजेंसी है वो दोस्तों कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UNEP। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है? तो एशिया महाद्वीप।
दो नंबर ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विश्व का सबसे लवणीय सागर है, तो विश्व का सबसे लवणीय सागर है वो दोस्तों मृत सागर है, दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है असंगत बताइए, तो असंगत इसमें अपने को इसमें बताना है, तो देखो डुरंड रेखा, तो जो इसमें चौथा नंबर का ऑप्शन देखो डुरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य, ये इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है डुरंड रेखा। चार नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये असंगत है। 65 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है, तो दोस्तों ये किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर, ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, भारत में सर्वोत्तम चाय है वो कहाँ पैदा होती है, तो ये पैदा होती है दोस्तों दार्जिलिंग में, दो नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इंग्लैंड में, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई, नाबार्ड की स्थापना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है, स्थापना की गई थी इसकी, तो दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो वर्तमान में किस देश में एक दलीय प्रणाली कायम है, वर्तमान में किस देश में एक दलीय प्रणाली कायम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साम्यवादी चीन, दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव, स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव का कौन सा उदाहरण है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिकेन प्रबंधन, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है दोस्तों ये, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सिराको के नाम से जानी जाती है, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारत भूटान एवं तिब्बत, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है, तो किस द्वीप से संबंधित है, तो ये दोस्तों सेनकाकू द्वीप से, ठीक है, एक नंबर ऑप्शन इसका दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था, तो मेघालय नाम है ये किसके द्वारा सुझाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है SP चटर्जी द्वारा, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो ये दोस्तों 10वीं अनुसूची है, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 77 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो भारत एक गणराज्य है क्योंकि दोस्तों इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, एक नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत की विदेश नीति में असली गुट निरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता थे, तो वे कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, चार नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न है, कोसी व काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है, तो वह कौन सी है, तो वो गंगा नदी है, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो दोस्तों कौन से भाग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाग चतुर्थ के, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में असंगत है, इसमें देखो दोबारा
भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में असंगत है, तो कौन सी है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो इसमें दशकीय, ठीक है दोस्तों, इसमें ये भी गलत है, ठीक है 3% साक्षरता है वो 3%, ये इसमें गलत हो जाएगा, और एक ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, दशकीय वृद्धि दर है यहाँ पे 23.3 दे रखी है, ये दोनों ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, आत्म संप्रत्यय के अंतर्गत व्यक्ति जानने का प्रयास करता है, तो व्यक्ति क्या जानने का प्रयास करता है? तो वह है मैं क्या हूँ, वह मैं कौन हूँ, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो अधिगत जिसके बिना संभव नहीं है वह है, तो वह दोस्तों इसमें प्रेरणा है, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक प्रक्रिया है, तो कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समाजीकरण, समाजीकरण एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 85 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, तो किसी व्यक्ति का जो अधिगम है ये दोस्तों कब तक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जीवन पर्यंत तक, ठीक है। नेक्स्ट है, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? तो विकास है ये दोस्तों केंद्र से सिरों की ओर होता है, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। 87 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, तो वैचारिक जो क्रिया अवस्था होती है ये दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक होती है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में पहचान संकट का संप्रत्य किसने दिया? किशोरावस्था में पहचान संकट का संप्रत्य किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एरिक्सन ने, एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 89 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कौन सा सूत्र सही है? तो कौन सा सूत्र सही है? तो इसमें देखो परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 90 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो दोस्तों कौन सा है? तो देखो हड्डियों में वृद्धि, स्नायुमंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि, उक्त सभी है, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 91 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सुमेलित कीजिए, एक तरफ है व्यक्तित्व मापन की प्रविधि, दूसरी तरफ है प्रवर्तक, ठीक है, तो अपने को इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें देखो समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं वो दोस्तों J.L. मोरेनो है, स्याही दबा परीक्षण के प्रवर्तक हैं हरमन रोरसा है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक हैं मुर्रे व मार्गन, बालक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक हैं लियोपोल्ड ब्लेक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों 1, 2, 3, 4, एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो हम भूल जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हम भूल गए, यह कथन है, तो दोस्तों यह कथन है ये किसका है? तो ये RD Lang का है, RD Lang का है, ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 93 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो समायोजन की प्रक्रिया है, तो समायोजन की जो प्रक्रिया है ये दोस्तों गतिशील है, एक नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाचने जाने आंगन टेढ़ा यह किस रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो किस रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है प्रक्षेपण से संबंधित, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 95 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सृजनात्मकता संबंधित है, तो सृजनात्मकता जो संबंधित है ये अपसारी चिंतन से संबंधित है, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्धि के 2 प्रकार ठोस तथा तरल बुद्धि किसने बताए? ठोस तथा तरल बुद्धि किसने बताए? तो दोस्तों केटल ने बताए, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित करना है, तो इसमें देखो आवश्यकता प्रणोद प्रोत्साहन ये सही क्रम है दोस्तों इसका अभिप्रेरणा से संबंधित, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों मैकिकलैंड का है, ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो डिस्प्रेक्सिया संबंधित है, तो डिस्प्रेक्सिया है ये किससे संबंधित है?
ये वाचन लेख व गणितीय व्यतिक्रम से संबंधित है। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौ प्रत्यय विकसित होता है, तो सौ प्रत्यय विकसित होता है ये स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से विकसित होता है। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना 10वां नंबर का मॉडल पेपर। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्य आरएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।